व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है? देखिए, तीन टाइप के एटीएम्स होते हैं। एक होता है बैंक लेवल एटीएम, जिसमें बैंक का काम होता है एटीएम एस्टैब्लिश करना, और बैंक ही देखता है उसमें कैश ट्रांजैक्शन को, यानी कि उसमें कैश डालना भी बैंक का ही काम होता है। दूसरा होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम में एटीएम मशीन तो बैंक द्वारा लगाई जाती है, लेकिन उसमें कैश डालने का काम एक आउटसोर्सिंग कंपनी देखती है, यानी कि एक अनदर कंपनी देखती है, और उस कंपनी को चार्जेस मिलते हैं ट्रांजैक्शन के। तीसरा होता है व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम में जो एटीएम मशीन लगाई जाती है वो एक नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा लगाई जाती है, और उसमें कैश का काम भी नॉन बैंकिंग कंपनी ही देखती है। TCPSL पहली ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी थी जिसे RBI ने परमिशन दी थी व्हाइट लेबल एटीएम लगाने की। व्हाइट लेबल एटीएम लगाने के लिए आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और नॉर्मल एटीएम मशीन्स में और व्हाइट लेबल एटीएम मशीन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि व्हाइट लेबल एटीएम मशीन में आप कैश डिपॉजिट नहीं करा सकते, सिर्फ आप कैश निकाल सकते हैं।